नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ग्वालियर चंबल की 4 सीटों सहित मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे। मणिपुर से शुरू हुई राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 मार्च को मध्य प्रदेश में मुरैना से प्रवेश करेगी। प्रदेश में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। पार्टी यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए योजना बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की यात्रा को लोकसभा की तैयारियों के आगाज की तरह देखा जा रहा है। वर्तमान में पार्टी के पास प्रदेश की कुल 29 में से सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट ही है। यात्रा में ग्वालियर, चंबल और मालवा सहित प्रदेश के कुल 9 जिले और 7 लोकसभा सीटें कवर होंगी। राहुल 7 दिन प्रदेश में रहकर 698 किलोमीटर तय करेंगे। राहुल राजस्थान के धौलपुर से मुरैना और फिर ग्वालियर पहुंचेंगे। इसके बाद शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम से झाबुआ होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा निकल जाएंगे। यात्रा के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी प्रदेश नेतृत्व से चर्चा होने की संभावना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 4-7 फरवरी तक ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल में दौरे कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इन दौरों में चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। पीसीसी उपाध्यक्ष राजीव सिंह के मुताबिक दौरे की शुरुआत 4 फरवरी को ग्वालियर में लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक से होगी। 5 फरवरी को उज्जैन और 6 फरवरी को भोपाल में बैठक होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।